हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल यूज़र्स। तो फ्रेंड्स, पहली बार मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे ऑटोकैड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोकैड क्या होता है, कैड की क्या फुल फॉर्म होती है और ऑटोकैड मार्केट में क्यों ज़्यादा इतना पॉपुलर है। ठीक है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि आप ऑटोकैड क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों आप ऑटोकैड को इतना प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कि बेसिकली इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को कौन कौन सीख सकता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। इस ऑटोकैड को अगर कोई बिगिनियर्स है, कोई इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो एक्चुअली ऑटोकैड जो है ये आजकल सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गए, वो अपनी प्लानिंग के लिए, होम डिज़ाइंस के लिए इसका ऑटोकैड का यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्ट हैं, वो भी सेम चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो अपने मैकेनिकल पार्ट्स, जैसे कार के पार्ट्स हो गए, अपने मैकेनिक पार्ट्स बना सकते हैं इसमें। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिक पार्ट्स का डिज़ाइन इस पे रेडी करते हैं ऑटोकैड पे। ठीक है, और ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कि ऑटो कैड का यूज़ क्या है, क्यों आप इसको सीखना चाहते हैं। सबसे पहले अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऑटो कैड मार्केट में आने से पहले हम इंजीनियर्स प्लानिंग किस चीज़ पर करते थे। हम इंजीनियर्स प्लानिंग जो करते थे, हाउस मैपिंग या फिर अपना जो कोई भी घर का डिज़ाइन बनाते थे, वो बेसिकली पेपर पर बनाते थे, एक चार्ट पर बनाते थे। ठीक है, तो उसी काम को रिप्लेस कर दिया गया है ऑटोकैड के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सारी चीज़ें आसानी से बना सकते हैं, अपने डिज़ाइंस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका पहला पॉइंट आ रहा है, ईजी टू यूज़। जी हाँ, ऑटो कैड पेपर चार्ट के मुकाबले बहुत ही आसानी से यूज़ किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बिगिनियर्स, जो ये सोचते हैं कि ऑटो कैड सीखना बहुत ही मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। ऑटो कैड सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको सिर्फ 1 मंथ में कवर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऑटो कैड में दो कमांड्स होती हैं, दो तरह की कमांड्स होती हैं, ड्रॉ कमांड्स और मॉडिफाइड कमांड, जिनके बेसिस पर ऑटोकैड काम करता है। जी हाँ, अगर आपने ड्रॉ कमांड्स और मॉडिफाइड कमांड्स अच्छे से सीख ली, तो आप ऑटोकैड में कोई भी डिज़ाइन, कोई भी प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटोकैड में सिर्फ ड्रॉ कमांड्स और मॉडिफाइड कमांड्स ही हैं, और कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑटोकैड जो बेसिकली वर्क करता है, वो ड्रॉ कमांड्स और मॉडिफाइड कमांड्स के ऊपर ही करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा, रिड्यूस एरर्स। देखिए फ्रेंड्स, रिड्यूस एरर्स मतलब क्या है, जब हम पेपर वर्क करते थे, चार्ट पे अपने प्लान्स बनाते थे, तो हमारा प्लान चार्ट पर कभी कभी गलत भी बन जाता था, कुछ एरर्स आ जाते थे जो आसानी से रिमूव नहीं किए जा सकते थे, बट हम ऑटोकैड के जरिए अपनी एरर्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आज के टाइम में कि हम पेपर वर्क करते समय टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अब अगर हम ऑटोकैड की बात करें, तो ऑटोकैड पर इतना टाइम नहीं लगता है किसी भी ड्राइंग्स को बनाने के लिए। बहुत ही जल्दी आप अपने ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं ऑटोकैड पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऑटोकैड जो है वो गूगल पे, इंटरनेट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। autodesk.com की कंपनी है, एक autodesk नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, प्रेजेंटिंग ड्राइंग इन कस्टमर्स। इसका क्या मतलब होता है प्रेजेंटिंग ड्राइंग्स? आप अगर एक आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर हैं, और आप अगर अपने क्लाइंट को कुछ अपनी ड्राइंग्स दिखाना चाहते हैं, तो ऑटोकैड के सामने, ऑटोकैड पे ड्राइंग करके अच्छे से बना के आप अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू पेपर वर्क, क्योंकि पेपर वर्क में हम इतने अच्छे तरीके से ड्राइंग्स नहीं बना पाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये तो हुई ऑटोकैड के यूज़ के बारे में बात। अभी बात करते हैं ऑटोकैड के बारे में, ऑटोकैड क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कैड के बारे में। बेसिकली कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। जी हाँ, नेक्स्ट आ रहा है ऑटोकैड। ऑटोकैड जो है एक 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जो 1982 में
ऑटोडेस्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया, सॉरी इन्वेंट किया गया था, यूएसए की कंपनी ने किया था इसको 1982 में। जी हाँ। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोकैड का 2010 वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी तक ऑटोकैड का सिर्फ 2010 वर्जन आया, आप ऑटोकैड का 2020 वर्जन भी देख सकते हैं मार्केट में, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं 2010 ही वर्ज़न क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि आजकल कुछ इंजीनियर्स ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब वो कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर्स उनसे क्या काम करते हैं, उनका टेस्ट ऑटोकैड 2010 वर्जन पे या फिर 2014 वर्जन पे ही लेते हैं, ठीक है। इसलिए आप ऑटोकैड 2010 या 14 वर्जन ठीक है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो ऑटोकैड ड्राइंग का फॉर्मेट होता है वो किस में होता है, ये DWG में होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं ये ऊपर जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है फाइल एडिट व्यू, ये आपका मेन्यू बार है। जी हाँ, हर किसी सॉफ्टवेयर का अपना ही एक मेन्यू बार होता है जिसमें आप अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन ओपन कर सकते हैं, सेव क्लोज सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेन्यू बार हो गया, ठीक है। ये आपका नीचे स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है ये आपका वर्क स्पेस टूल बार हो गया, ठीक है, जहाँ से हम अपनी ऑटोकैड को 2D और 3D में ड्राफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली ऑटोकैड क्या है, 2D ड्राफ्टिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, बट ऑटोकैड को हम 3D में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कैड डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मार्केट में, और 3D डिज़ाइनिंग में भी जाना चाहते हैं तो ऑटोकैड के अलावा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं मार्केट में जो 3D डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट हैं, आप उन्हें भी सीख सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने है ये है हमारा लेयर टूल बार, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा है लेयर कलर टूल बार। नेक्स्ट है हमारा लाइन टूल बार, और इससे नेक्स्ट है हमारा लाइन वेट टूल बार, इससे आप लाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लेफ्ट साइड में जो है ये है हमारा ड्रॉ टूल बार, इसमें सारी की सारी हमारी ड्रॉ कमांड्स हैं, लाइन पॉली लाइन पॉलीगन रेक्टेंगल, ठीक है। और ये जो राइट साइड में है ये है हमारा मॉडिफाइड टूल बार, ठीक है, और इसके बराबर में है ये हमारा डायमेंशन टूल बार, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है ये है हमारा वर्क स्पेस, यानी कि जहाँ पे हम काम करेंगे अपनी ड्राइंग्स को बनाएंगे, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई और शो डायरेक्शन, एक्स सॉरी एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा UCS मींस यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में, ये है हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। बेसिकली ऑटोकैड जो है वो कोऑर्डिनेट्स पे ही काम करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये नीचे आप जो देख रहे हैं वाइट स्क्रीन, ये है हमारा कमांड एरिया। कमांड एरिया से क्या मतलब होता है कि अगर हम कुछ भी कमांड टाइप करते हैं लिखते हैं वो सारा हमें आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन कमांड लूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे लाइन का फर्स्ट पॉइंट देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऑटो कैड के ही पार्ट हैं। इसमें से मेन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन दो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ओ स्नैप हो गया, ओ स्नैप ये हमेशा ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये ओ स्नैप क्या काम करता है, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रेस करता है, ठीक है। और ये जो है हमारा ओ, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिकली शॉर्ट की होती है F8, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये अभी और तो हमारा ऑफ है, देखिए जैसे हम कोई लाइन कमांड लेंगे, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, देखिए ये स्ट्रेट नहीं आ रही है, इस तरह से आ रही है, हमें इसको स्ट्रेट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्थो के ऑप्शन को ऑन कर देंगे, फिर से लाइन कमांड लेंगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी आगे बात करते हैं। अभी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, हम अपने इस कर्सर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कर्सर में हमारे दो तरह के सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ड्रैग करूँगा
तो देखिए ग्रीन कलर का कर्सर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में कर्सर को ड्रैग करूँगा तो ये हमारा ब्लू की तरह का कर्सर आएगा। इन दोनों का मतलब क्या है, क्या यूजेज है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अभी देखिए मैं राइट साइड ये ब्लू वाला कर्सर ड्रॉ करता हूँ, लिया मैंने, तो देखिए कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और अगर मैं इधर साइड से ये ग्रीन कलर का कर्सर लूँगा तो ये देखिए पूरा सिलेक्शन हो गया। मतलब क्या है कि अगर मैं ये ग्रीन कलर का कर्सर हल्का सा भी इसको टच करूँगा तो ये सिलेक्शन कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं कर्सर को इस ब्लू वाले कर्सर को आधा करूँगा तो ये नहीं होगा, ये कंप्लीट सिलेक्शन होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जैसे कि अभी हमें इस कमांड से बाहर जाना है, ये कमांड हमारी एक्टिव है, ठीक है। ये इस पे सिलेक्शन है, हमें इसको हटाना है, तो हम इसको कैसे हटाएंगे, हमें एस्केप का बटन यूज़ करना है कीबोर्ड में, ठीक है, एस्केप का, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो जाता है एस्केप के बटन दबाने के बाद से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। और हमारी एक कमांड और होती है कि अभी जैसे हमें इसको, ये हमारी स्क्रीन बड़ी आ रही है, ये यहाँ पे हमें इसको अपनी स्क्रीन को छोटा करना है ताकि हम और भी काम कर सकें। तो फ्रेंड्स इसकी दो कमांड्स होती हैं बेसिकली, अगर आप इसको भूल जाएं तो इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कमांड एरिया में जेड एंटर ए ऑल क्लियर एंटर, तो ये देखिए अब हमारी स्क्रीन को छोटा और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम ऑटोकैड में काम करते हैं तो हम इसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे राइट साइड में प्लेस करना चाहते हैं, हम प्लेस करके काम करते हैं, ठीक है। अब इसको हम राइट साइड में कैसे प्लेस करेंगे, उसकी शॉर्ट की होती है UCSICON एंटर एन एंटर, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको कितना भी जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये हमारा कर्सर UCS जो है वो अब लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले। थैंक यू, बाय बाय।